तो इस DIY के लिए यूज़ करेंगे CD। तो CD का जो बीच का पार्ट है उसको पहले मास्किंग टेप से कवर करना है। मास्किंग टेप नहीं है तो आप कोई भी पेपर से उसको कवर कर सकते हो। तो मैं इसको भी मास्किंग टेप से कवर कर दूँगी दोनों साइड से। उसके बाद साइड से भी मैंने इसको कवर कर लिया। दोनों साइड से कवर करने के बाद इसके ऊपर एक को जेसो की लगाएंगे और अपना बेस तैयार करेंगे। तो जेसो मैं लगा रही हूँ। तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, स्पॉन्ज से भी लगा सकते हैं। मैं तो अभी ब्रश से इसको लगा रही हूँ। इसको पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए हमारा ड्रेसो का पूरा कोट हो गया है, कोट कंप्लीट। अब इसके ऊपर एक कोट और कर देते हैं जिससे इसका पूरा कवर हो जाए अच्छे से। एक कोट और करने के बाद पूरा कवर हो। तो ये देखिए एक कोट हो गया पूरा। तो बस जैसे लगाने से यही फायदा होता है कि हमारा एक कोट में ही पूरा कवर हो जाता है, बार बार दो तीन कोट नहीं करने पड़ते कलर्स के। इसी तरह से बाकी के जो है उनको भी कलर कर लेंगे। ये इनको मैंने 4 डिफरेंट कलर से कलर कर लिए हैं और ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो अब इनके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। दो बार कलर करने के बाद देखिए फर्स्ट वाला पूरा कंप्लीट हो गया है, जो कि अभी मैंने कर लिया है। और ऐसे ही बाकी के 3 भी मैंने बना लिए, तो 4 पोस्टर हमारे रेडी हो गए। तो सेकेंड ऐसा है, उसके बाद ये वाला है और ये। तो ये 4 मैंने बनाए हैं। तो फर्स्ट DIY कंप्लीट हो गया है। अब चलते अपने सेकेंड DIY। यहाँ पे मैं ये DVD यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने धो के क्लीन किया था। तो अब जैसे मैंने इसके ऊपर ये ड्रॉ करी है बर्ड की शेप, तो इसको मैं इसके ऊपर रख के ट्रेस कर लूँगी और फिर उसी हिसाब से कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये बर्ड की शेप कट कर ली है और 2 ऐसे और पीसेस कट कर लिए हैं। तो अब इसको इस पर छोटे छोटे डिज़ाइन बना लेंगे और उसके बाद इसको कलर करेंगे। बर्ड हमारी दोनों रेडी है। तो अब इसको बस इसको चिपकाना है, इस पर ग्लू लगा के ऐसे इसको चिपका दिया। दूसरी है उसको भी ऐसे चिपकाना है इसके ऊपर। तो हमारी जो बर्ड है ना, तो वो तो बन गई, लेकिन उसके पैर बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने ये 2 वायर लिए हैं
ऐसे उनको ऐसे फोल्ड कर लिए। अगर आपके पास से नहीं है बैग तो आप ना जो बालों में लगाते हैं हेयर जूड़ा पिन वो भी ऐसे लगा सकते हो उसमें। तो बस इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर दूँगी तो इसके पैर बन जाएंगे। इसके लिए ग्लू से कर लो या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे इसको फिक्स कर लो। क्ले है तो क्ले से कर लो, पुट्टी है तो पुट्टी से। मैंने भी ग्लू लगा के इसको कर दिया है फिक्स। तो मैंने ग्लू लगाया और इसको ऐसे पेपर लगा के अच्छे से सिक्के में कर दिया। तो इस तरह से मैं दूसरा वाला भी ऐसे कर लूँगी। इसको भी मैंने पेपर लगा के सिक्के में कर दिया। तो ये है इसका फाइनल लुक। अब जो मेरी थर्ड डिवाइस है उसके लिए मैं इस तरीके का कोई भी पेपर एक ले लूँगी। तो उसको मैंने सीडी ऐसे रख के उसके ऊपर उसके अराउंड कट कर लेना है इसको। तो जस्ट मैं इसको चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है ना तो है और इसके में से मिला है तो उसको मैं सिंपली कोई लीव भी लगा रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ अच्छा लगेगा ये। और भी कुछ आप लगा सकते हो। तो ये है फाइनल लुक हमारे DIY का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ।
DIY के लिए मैंने सीडी को कुछ इस तरह से कट कर लिया लीफ की शेप में। अभी मैंने ग्रीन कलर का 3D आउटलाइनर लिया है, तो उससे इसकी आउटलाइन बना लेंगे। तो दीना, मेरे पास एक फेविकिल के ग्लास कलर है, तो इनसे इसको कलर कर लेंगे। ये है इसका फाइनल लुक। आपको चारों DIY कैसे लगे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।